जब बढ़ती है मेरठ की गर्मी, तब सुकून देती है वो प्रयाग की ठंडी सी शाम, लखनऊ की वो नबाबी और गोरखपुर में विराजित गोरखधाम। इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है 60,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की, जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने। उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी यूपी पुलिस के लिए। ये आपकी यूपी पुलिस की आज दूसरी क्लास है, कल एक क्लास हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं। आज मैंने नहीं लिखाया है कि कौन से क्वेश्चन कब आए हैं, पर ये 2021 के क्वेश्चन है, 19 के क्वेश्चन है कुछ जो आए हैं। कल से मैं आपको लिखा कर भी लाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन यूपी के किस एग्जाम में और कहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा जरा, इसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? महान्यायवादी, संसद, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति। क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो संविधान है उसका गार्जियन यानी कि अभिभावक और आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक, इसमें से किसको कहा जाता है ये पूछ रहा है। बताओ जरा, सोनी, अर्चना, रोहिणी, दिनेश, नीतीश, विकास, योगेश, निशा, पूजा, रतन, गगन, ज्योति, कृष्णा, नेहा, रेशम, इंद्रजीत, रतन, संघ, रचना, सुबह, आजाद, कृष्ण, विकास, एंजल, ज्योति, रूहू, विनोद, कृष्ण कुमार मीणा, मयंक, सरिता, नितिन, कमलेश, गगन। स्वागता, तुम्हारा नाम स्वागता है, स्वागता है, धनिया, ये नाम अच्छा लगा मुझे। अरविंद, शिशुपाल, मीरा, बेदा, अनिकेत, सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, साथ में जो मैं आपको बता रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? इतने में मैं बात करूं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक इनमें से किसी को माना जाता है, तो यह है उच्चतम न्यायालय को। किसको? उच्चतम न्यायालय को। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो घर में मारपीट, मान लो तुम हो और एक तुम्हारा बड़ा भाई है, ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई तुमको कूट दे, ठीक, तो अब तुम किसके पास जाओगे कि देखो मुझे मार दिया, या ये नहीं होना चाहिए था, ये बात दोबारा ना हो, तो इसके लिए तुम कहां जाओगे? अपने पिता के पास ना, या अपनी माँ के पास, जो क्योंकि भाई है, अभिभावक कहो, तुम्हारे संरक्षक कहो, वही है ना। तो भाई वाली बात है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कहां जाएंगे? आप उच्चतम न्यायालय जाएंगे। कहां पर जाएंगे? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत क्या करेगा? आर्टिकल 32 के तहत जो है
वो आपके जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षण करेगा। साथ में ही इसमें 5 तरह की रिट भी है। अब तुम्हारे माँ बाप क्या करेंगे, वो माता पिता होने के नाते तुम्हारे बड़े भाई को कूट देंगे, यही करेंगे ना भैया ना, या फिर जैसे भी समझा सकते हैं, वो वाली बात है। तो यही एक चीज है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, महान्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत होती है, ठीक है। किसके तहत? आर्टिकल 76 के तहत होती है, और इसकी जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करता है। इसका कुल कार्यकाल कितना है नहीं पता है, क्योंकि संविधान में मेंशन नहीं है। कहने को ऐसा है कि जब कोई नई सरकार आती है वो अपना महान्यायवादी नियुक्त करती है, और जब वह सरकार चली जाती है तो महान्यायवादी परंपरा के अनुसार अपना रिजिग्नेशन दे देता है। संसद का गठन जो है वो आर्टिकल 79 में है, यह याद रखिएगा। और जो राष्ट्रपति है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ध्यान सुनो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस आर्टिकल में है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस आर्टिकल में है, यह आपको बताना। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व तो नहीं है? मध्य निषेध, पर्यावरण संरक्षण, गौ संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इनमें से कौन सा नहीं है? क्या नहीं है? राज्य का नीति निदेशक तत्व, यानी कि अगर हम बात करें DPSP, इनमें से कौन सा नहीं है? अब ये धनिया पुदीना बंद कर दो और जरा क्लास पर ध्यान दे लो। नहीं, धनिया पुदीना जो है, जो भी तुम कर रहे हो, इसको बंद करो, इसकी जरूरत है नहीं ना। अब जरा थोड़ा सा क्लास पर ध्यान दे लिया जाए, क्या कहते हो, है ना? सही रहेगा अगर हम क्लास पर ध्यान देंगे, क्लास की ओर देखेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि समय आपके पास कम है, क्या पता एग्जाम भी क्लियर कर जाओ तुम, अगर थोड़ा सा ध्यान दे लो तो, ठीक है। तो याद रखना, इनमें से कौन सा नहीं है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा जो है यह आर्टिकल 21A में है। किसमें है? आर्टिकल 21A में है। और जो आर्टिकल 21A है ना, जो आर्टिकल 21A है, इसके बारे में याद रखिएगा, इसे संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको लागू कब किया गया था, तो याद रखिएगा, इसको लागू किया गया है आपका 1 अप्रैल 2010 को। इसको कब लागू किया गया है? इसको लागू किया गया है आपका 1 अप्रैल 2010 को, तो यह याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? बाकी के ये तीनों क्या है? बाकी के ये तीनों डीपीएसपी में आते हैं। डीपीएसपी आपका आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है, तो यह याद रखिएगा, किसके? आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। किसी ने कहा है, आज तो सब गलत हो रहा है, क्वेश्चन दूसरा, यह सब कैसे गलत हो रहा है? अभी तो सब मैंने कराया भी नहीं है, तो क्वेश्चन ही दो कराया मैंने अभी तक। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड? त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। लोकसभा में सदस्य या लोकसभा की सीट, 2 लोकसभा की सीट, इनमें से किसके पास है वो पूछ रहा है। या इसे ऐसे पूछो, या इसे ऐसे देखो, कई बार क्वेश्चन ना इस तरह से आता है, जैसे त्रिपुरा में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ठीक, त्रिपुरा में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? मैं एक बार देख लूंगा, क्यों नहीं उठा रहे? त्रिपुरा में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है, इनमें से क्या हो जाएगा बताओ? ठीक, सिक्किम में बेटा एक है, जो तुम बता रहे हो ना सिक्किम, सिक्किम में तो लोकसभा की सीट एक है, है ना। त्रिपुरा में है 2, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका मिजोरम, है ना, यहां पे भी एक है, नागालैंड में भी एक है ना, नागालैंड और मिजोरम, इनमें भी जो है क्या है, इनमें भी जो सीट है इनकी संख्या एक एक ही है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका तेलंगाना का, तेलंगाना की सीट पूछ लेती है। तेलंगाना का याद रखिएगा 39 है, नहीं सॉरी, तमिलनाडु के 39 है, और अब तेलंगाना आया तो तेलंगाना की भी बतानी पड़ेगी यार। तेलंगाना की 17 है, कितनी? तेलंगाना की जो सीट है, जो लोकसभा सीट है, उनकी संख्या है 17, यह याद रखिएगा। अब चूंकि आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे हो सकता है पूछे कि जो उत्तर प्रदेश है
इसकी लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है और इसकी राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है। अगर आपको पता है कितनी है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि इसकी जो सीटों की संख्या है वो कितनी है। रजत, एके, लंकेश, शिखा, देव, सिराज, मयंक, सौम्या, पिंकू, पूजा, शोभित, बहुत अच्छे, स्वागता, ठीक है। एक बेदा आ गए, इनको अलग तकलीफ हो जाती है, पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है इनको। बीपीएससी की रिपोर्ट, बेटा क्वेश्चन है, पढ़ने में क्या ही बुराई जा रही है। आज तक समझ में नहीं आई तो आज समझ में आएगी, पर थोड़ा सा ध्यान दे दे लेना, जो समझ में ना आए वो पूछ लेना, तब समझ में आएगा। ऐसे तो मुश्किल ही है कि आप बस बैठे हैं सामने और कि समझ में आ जाए, तो समस्या नहीं है ना, मतलब ठीक है। निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? इनमें से कौन से एक है या कौन सा एक ग्रुप है जिसमें लोकसभा की सीट सिर्फ एक है, जिनके पास लोकसभा की जो सीट है वो सिर्फ एक है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, मणिपुर, दादर नगर हवेली और पुडुचेरी, गोवा, मेघालय, नागालैंड और चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। इनमें से कौन सा वह ग्रुप है जिसकी लोकसभा की सीटें एक हैं? यूपी की जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं आपकी 80 और राज्यसभा की जो है और वो है 31। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं उत्तर के पास, उत्तर प्रदेश के पास, और सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें। उत्तराखंड जब था तब तो और भी थी, पर उत्तराखंड को जो है 2000 में अलग कर दिया गया, ठीक, तो ये याद रखिएगा। बढ़िया, आगे देखें। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम के पास जो लोकसभा की सीटें हैं उनकी संख्या सिर्फ एक है। चंडीगढ़ के पास एक है, मिजोरम के पास एक है और सिक्किम के पास भी सिर्फ एक ही है, ठीक, तो यह याद रखिएगा। शैलेंद्र, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। आगे देखो, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है राज्यपाल, राज्य वित्त सचिव, मुख्यमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। कंट्रोल द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द स्टेट, राज्यों के वित्तीय लेखों पर जो नियंत्रण है वो कौन रखता है? जो राज्य है उनके जो वित्तीय लेख है उन पर कौन नियंत्रण रखेगा, है ना, फाइनेंशियल अकाउंट्स पर कौन नियंत्रण रखेगा, बेसिकली उनको स्क्रूटनाइज कौन करेगा वो पूछ रहा है। किसी ने कहा मैं टफ क्वेश्चन ला रहा हूं, बच्चे लेके ही आऊंगा ना, सिर्फ सरल क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा ना, सिर्फ सरल सरल क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम क्लियर नहीं करा सकते ना, दोनों तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम क्लियर कराएंगे, थोड़े से सरल थोड़े से कठिन, है ना। कई बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चंस को करते हुए जद्दोजहद सी होगी कि हे भगवान क्या है, क्यों पूछ रहे हैं, किस तरह का है, पर आपको वो याद करना है, आपको उसे लिखना है ना, उसका रिवीजन आपको करना ही करना है, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर राज्यपाल, राज्य वित्त सचिव, मुख्यमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। कंट्रोल द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द स्टेट, गवर्नर, स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव। अब बताओ, नो दिक्कत, बढ़िया है, फिर सच्ची बात ही नहीं हो सकती कोई। गवर्नर का वित्तीय लेखन से कोई लेना देना नहीं है, वित्तीय लेखन से लेकर लेना देना है कैग का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 में है और जिसके पावर के बारे में बात की गई है आपके आर्टिकल 149 में। वही जो है आपके स्टेट और आपके जो सेंटर है उनके लेखे जोखों को जो है स्क्रूटनाइज करता है, क्या बोलता है उनको, जो है ना, उनको स्क्रूटनाइज वगैरह जो है वो कैग करता है, ठीक है। धर्मेंद्र, आगे देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाई, पूछ रहा है किसी भी राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, बताओ। ठीक, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाई, कौन ऑपरेट करता है संचित निधि को, राज्य की संचित निधि को कौन ऑपरेट करता है इनमें से, वो पूछ रहा है, बताओ। जैसे केंद्र की संचित निधि है ना, तो जैसे केंद्र की संचित निधि है, वहां से अगर कोई भी, अगर आपको एक रुपए भी निकालना है, एक पैसा भी निकालना है ना, तो इस पर टोटल जो कंट्रोल होता है केंद्र में, है ना,
केंद्र की जो संचित निधि है इस पर जो टोटल कंट्रोल होता है ना वो होता है संसद का। आप संसद की अनुमति के अलावा एक रुपया नहीं निकाल सकते संचित निधि से, है ना। संचित निधि पर भारित होता है जैसे जो जज हैं उनकी सैलरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं, फिर उनको पेंशन, वो है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सैलरी वगैरह, ये सब उसी पर भारित है, ठीक है। मतलब संचित निधि से ही दी जाती है, लेकिन ये है कि संचित निधि से पैसा निकालना है तो आपको संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से राज्य की संचित निधि जो है इससे पैसा निकालना या इस पर कंट्रोल जो है वो किसका है, वो है विधानमंडल का। किसका है? इस पर जो कंट्रोल है ये है विधानमंडल का। जब तक विधानमंडल में आप विधेयक लेकर नहीं आएंगे, जब तक विधानमंडल आपको परमिशन नहीं दे देता, तब तक आप जो है विधानमंडल को क्या नहीं कर सकते, विधानमंडल को हाँ मतलब जब तक विधानमंडल को आप सूचित नहीं कर सकते, आप राज्य की संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, इसका आंसर है डी, एंड्रॉइड के लिए है बच्चे वो, है ना। आईओएस के लिए भी मुझे लगता है, सच बताऊं तो मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, पर आईओएस के लिए है, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। ललिता, मयंक, शांति, ज्योति, उर्मिला, संजू, देसी, निशा, ठीक, सोनी, अनूप, नीतीश, लंकेश और ये भरसोहिया जो भी हैं, ठीक है। हाँ, आगे देखें, अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? इनमें से कौन एक है जिन्होंने ये कहा था कि जो वित्त आयोग है और जो योजना आयोग है इसको क्या कर देना चाहिए, इनको एक कर देना चाहिए, है ना। यह प्रस्ताव इनमें से देने वाला कौन था? डीडी बसु, आशुतोष पांडे, एम बी माथुर और भालचंद्र गोस्वामी। हु हैड प्रपोज्ड द मर्जर ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन? वित्त आयोग और योजना आयोग जो है इसके परस्पर विलय का प्रस्ताव इनमें से किसने दिया था वो आपसे पूछ रहा, ठीक। देखो, अगर मैं वित्त आयोग की बात करूं तो इसका जिक्र है आपका आर्टिकल 280 में। इसका जो गठन है, या मैं यही कहूंगी, इसका गठन आर्टिकल 280 में किया जाता है, ठीक है। इसकी जो नियुक्ति है या इसका जो गठन है कितने समय के लिए किया जाता है, तो इसका जो गठन है ये 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इसका जो गठन है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट इसका गठन करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज जो आपको याद रखनी है यहां पर, है ना, वो ये कि जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे जरा बताओ, और अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है। अगर आपने यूपी पैट का एग्जाम दिया हो इससे पहले वाला, तब आपको याद होगा योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष आपसे पूछ लिए गए थे। क्या पूछ लिए गए थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो है ये आपसे पूछ लिए गए थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है, किसके? योजना आयोग के। अब योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग कर दिया गया है, है ना। जो योजना आयोग है अब उसको क्या कर दिया है, अब उसको समाप्त कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से, और अब क्या है, अब वो है आपका एक नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में बहुत कुछ है, पर मुझे सिर्फ इतना बता दो, नीति आयोग में इसकी फुल फॉर्म, जो नीति है इसकी फुल फॉर्म क्या है वो बताओ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, कई बार जो है एग्जाम में आती है और बच्चे इसे गलत कर देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एम बी माथुर। क्या हो जाएगा इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एम बी माथुर, तो वो याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, पूछ रहा है रज्जुक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी थे, मौर्य शासन में अधिकारी थे, सक्सेना में अधिकारी थे, या गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग था? रज्जुक बाज, ट्रेडर इन चोला स्टेट, ऑफिसर इन मौर्यन रूल, ठीक है, ऑफिसर इन सक आर्मी, और फ्यूडल क्लासेस इन द गुप्ता एम्पायर, या क्लास इन द गुप्ता एम्पायर। जो रज्जुक थे ये कौन थे ये बताना, ठीक है। कैसी नियोगी पहले थे, ठीक है ना, जो कैसी नियोगी थे वो पहले हैं, आज हैं आपके एन के सिंह, जिनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह, ठीक है। अंतिम उपाध्यक्ष जो योजना आयोग थे उसके कौन थे, वो थे याद रखिएगा आपका मोंटेक सिंह अहलूवालिया,
पहले कौन है वो आपको बताना है। जो नीति आयोग है या जो नीति है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये याद रखना। पहले उपाध्यक्ष योजना आयोग के वो और आपको बताना है। रज्जुक जरा ध्यान से देखो क्योंकि रज्जुक कई बार क्वेश्चन में आया है, आपके एसएससी में आया है बहुत बार, एसएससी में भी, एमटीएस में आया है, सीजीएल में आया है, इवन आपके जीडी तक में आया है, यूपी के बहुत से एग्जाम में आया है, इवन यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में भी कई बार रज्जुक क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। रज्जुक के बारे में बात करूं तो ये मौर्य शासन में अधिकारी है। रज्जुक क्या है? रज्जुक है मौर्य शासन में अधिकारी, ये याद रखिएगा। टिक। अरे तुम्हारे कमेंट आ रहे हैं, तुम कमेंट के टेंशन ना लो, तुम बस ये टेंशन लो कि जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। अगर आपके समझ में आ रहा है देन प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, और अगर नहीं आ रहा है तब समस्या वाली बात है। अरविंद पनगड़िया कैसे? मैंने योजना आयोग के पूछे, नीति आयोग के नहीं। आगे अच्छे से बताया नहीं बताया। हाँ, सार्थवाह किसे कहते थे? दलालों को कहते थे, व्यापारियों के काफिले को कहते थे, तीर्थयात्रियों को कहते थे या महाजनों को कहते थे? हु वाज कॉल्ड सार्थवाह? जो सार्थवाह है ये किसे कहा जाता था वो बताना, जो सार्थवाह है ये किसे कहा जाता था बताओ। अरे बच्चे पहले प्रश्नों के जवाब दे दीजिए फिर हम आगे ही बढ़ जाएंगे, क्या दिक्कत है? गुलजारी लाल नंदा, सुमित चौधरी, बहुत अच्छे। गुलजारी लाल नंदा जो है वो पहले उपाध्यक्ष रहे हैं किसके? तो याद रखिएगा योजना आयोग के। गुलजारी लाल नंदा वो व्यक्ति हैं जो दो बार जो है कार्यकारी पीएम रहे हैं, एक बार नेहरू जी की मृत्यु के बाद और दूसरी बार जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। ठीक है, दो बार जो है वो क्या रहे हैं, दो बार जो है वो कार्यकारी पीएम के तौर पर उन्होंने काम किया है। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आता है आपका कामराज योजना, क्या आता है? कामराज योजना, जरा बताओगे ये जो कामराज योजना है ये किससे रिलेटेड है और कब लेकर आई गई थी और क्यों लेकर आई गई थी, यह चीज आपको बतानी है। ठीक है, सार्थवा जो है ये कहा जाता था व्यापारियों के काफिले को, जो व्यापारियों का काफिला होता था ना उसको सार्थवा कहा जाता था। ठीक है, एक आपने शब्द सुना होगा एंशियंट में श्रेष्ठी, ठीक है, क्या श्रेष्ठी, ये क्या कहा जाता था? यह व्यापारियों के संघ को कहा जाता था, व्यापारियों का जो संघ होता था उसको कहते थे श्रेष्ठी। इसी तरह से एक क्वेश्चन है आपका श्रेष्ठिन, क्या हो जाएगा? इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन है आपका श्रेष्ठिन, और जो श्रेष्ठिन है ये क्या है तो याद रखिएगा ये है व्यापारियों का जो संघ था ना इसका प्रमुख, इस संघ का जो प्रमुख होता था उसको श्रेष्ठिन बोलते थे, क्या कहते थे? उसको कहते थे श्रेष्ठिन, ये याद रखिएगा। ठीक, गुरुजी प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर से एक जीके तैयार हो जाएगी, अगर बच्चे तुमने सब कर लिए तो पक्का हो जाएगी, उतनी हो जाएगी कि तुम पास कर जाओ और मेरिट में आ जाओ अगर तुम सब कर लेते हो तो। पर मुझे मालूम है तुम सर पूछ रहे हो, तुम करोगे नहीं है ना, एक्टिंग करने की आदत है ना, मोस्टली चीजों की एक्टिंग करने की आदत, तो ये भी वही है कि क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा पर करेंगे नहीं। ठीक है ना, आगे देखो, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? इनमें से कौन सा एक समय था जब स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी वो आपको बताना है। ठीक है, मौर्य काल, गुप्त काल, चोल और इनमें से किसी में भी नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वुमेन हैड इक्वालिटी विद मैन? मौर्यन पीरियड, गुप्ता, चोल और नन ऑफ दीज, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी बताओ। ठीक, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए कामराज योजना आई थी, कामराज नाम के एक व्यक्ति लेकर आए थे जो कांग्रेस के थे, 1963 में लेकर आए थे। बढ़िया, हम कानपुर से हैं, बताइए फिर आगे कुछ, मतलब आपने इतना लिख दिया ठीक है पर इसके आगे भी तो बताइए, मतलब क्यों आपने ये बताया मुझे कि आप कहां से हैं, इसके आगे कुछ होगा?
हाँ चलिए, नहीं है तो अच्छी बात है। अच्छा, महिलाओं और पुरुषों की बराबरी पूरे भारत के इतिहास में एक ही समय है जब रही है, और ये रही है ऋग्वैदिक काल में। किसमें? ये रही है ऋग्वैदिक काल में, ये याद रखना। इसके अलावा नहीं रही है ना? एक क्वेश्चन पूछता है कि महिलाएं कुश्ती लड़ती थी, या जो महिलाएं हैं वो कुश्ती में पार्ट लेती थी, वो समय कौन सा है, या किसके शासनकाल में, या किस साम्राज्य में? तो महिलाएं जो हैं ये कुश्ती में पार्ट लेती थी, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में ये प्रचलन था। किसमें? जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें ये प्रचलन था, वहां पर जो महिलाएं थी वो कुश्ती में पार्ट लिया करती थी। ठीक है, वो कुश्ती में क्या करती थी? पार्ट लिया करती थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखें। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी में भी नहीं। ठीक, आगे, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, आधा या आठवां? व्हाट वाज द रेट ऑफ लैंड रिवेन्यू इन द गुप्ता एरा? गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वो क्या थी, वो बताओ। मतलब भूमि से जो उपज होती थी है ना, उससे कुछ कर के रूप में राज्य लेता था, तो राज्य जो कर के रूप में लेता था वो कितना लेता था, वो हिस्सा कितना था उपज का, वो आपको बताना है ना। उपज का चौथा भाग था, छठा भाग था, आधा भाग था, या आठवां भाग था, क्या था बताओ जरा, क्या था? ठीक है, आठवें भाग से याद आया, याद रखिएगा, जैसे अशोक के समय में है ना, किसके समय में? अशोक के समय में ऐसा होता था कि अशोक जो है ना वो उपज का 1/6 लेता था, लेकिन उसका लुम्बिनी अभिलेख देखोगे है ना, रुम्बनदेही अभिलेख, उसमें क्या किया, उसमें थोड़ी सी राहत दी और उसने ये कहा कि 1/6 की जगह 1/8 लेंगे। मतलब प्राचीन काल से लेके मौर, अगर देखोगे बीच में कहीं डिस्टर्ब हुआ हो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो इतना ही चलता था भारत में उपज का छठवा भाग। कितना? उपज का छठवा भाग। वो तो जब मुस्लिम साहे जो सल्तनत काल शुरू हुआ फिर जाके हुआ कि आधा भाग लेंगे, इतना लेंगे है ना, उससे पहले मोस्टली आप देखोगे 1/6। क्या देखोगे? 1/6 भाग। ठीक है, आगे और कुछ था इसमें? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जो गुप्त युग है उसको स्वर्ण युग कहते हैं, लेकिन किस मामले में? एक तरह से स्थापत्य के, वास्तुकला, साहित्य, इन सब के मामले में तो जो है उसे स्वर्ण युग कहते हैं। किसको? गुप्त काल को। मुझे बस इतना बताओ कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो गुप्त काल है, क्या है जो गुप्त काल है, इसका संस्थापक कौन था? जो गुप्त काल है इसका संस्थापक जो है ये कौन था, जरा बताओगे? जो गुप्त काल है इसका संस्थापक था कौन? अब ये धीरज कौन है और तुमको इतनी तकलीफ उससे क्यों हुई? राजा राम यादव, बताओ जरा क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे है ना। अगला, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? श्रृंगेरी, सोमनाथपुर, हेलेबिट बेलूर और बेलूर। द प्रेजेंट नेम ऑफ द्वार समुद्र, द एंशियंट कैपिटल ऑफ होयसल, बताओ जरा क्या हो जाएगी? ध्यान दो उधर, अगर मैं गुप्त वंश के संस्थापक की बात करूं तो वो है श्रीगुप्त, पर श्रीगुप्त स्वतंत्र संस्थापक नहीं था, इसका पुत्र आया आगे घटोत्कच, और घटोत्कच भी जो है क्या नहीं था, स्वतंत्र शासक नहीं था। इसके बाद इसका पुत्र आया चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है स्वतंत्र शासक है किसका? गुप्तों का है ना, क्या है? स्वतंत्र शासक है। तो गुप्त वंश का संस्थापक ये है, पर ये पहला शासक है जो स्वतंत्र है, जिस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। ओ भाई धीरज कौन हो तुम, रुको एक मिनट देखते हैं, पहले इधर ध्यान दो फिर मैं देखता हूं। रीता सिखा, मैं पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रखा है एक अकेले आदमी ने। चलो आगे देखो है ना, इनका जो द्वार समुद्र है इसका वर्तमान नाम क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका हेलेबिड। बढ़िया,
मैंने वाकई में नहीं देखा है, सच बताऊं तो मैं अभी समझाने पर मेरा फोकस ज्यादा था। अगर अब वो करेगा दोबारा तो मैं देख लूंगा। ठीक है। हाँ हाँ ठीक, चलो आगे देखें। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? इनमें से कौन सा गुंबद है जो विशाल के जो विशाल गुम्बद हैं उनमें से एक है, इनमें से कौन सा? ठीक, जामा मस्जिद दिल्ली। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शेरशाह का मकबरा सासाराम। अरे मेरे को कमेंट तो दिखे। अच्छा ध्रुव कुमार यही है क्या? चलो पहले मैं देख लूं, फिर तो मैं तुम्हारा इलाज भी करूंगा। रुक जाओ। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली और गोल गुम्बद बीजापुर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट हैज द डोम विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड? विश्व में लार्जेस्ट डोम इनमें से कौन सा है वो आपको बताना। ठीक, बढ़िया। बढ़िया। लार्जेस्ट डोम इनमें से है कौन सा वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है ना। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा ये तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा गोल गुंबज। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गोल गुंबज या गोल गुंबद, दोनों ही चलेगा। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो गोल गुंबद है इसका निर्माण किसने और कब कराया था, जो गोल गुंबद है इसका निर्माण किसने और कब कराया था बताओ। ठीक। अच्छा बढ़िया है ना। इसका निर्माण, गोल गुंबज का निर्माण जो है वो 1656 में हुआ है। ठीक है। और याकूत ने किया, वास्तुकार कौन था? याकूत। आदिलशाही सल्तनत का एक यूसुफ आदिलशाही व्यक्ति था, उसने जो है अपना मकबरा बनवाया है ना, और उसी पर है वो डोम या गुंबद जो विश्व के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। सुनो ऐसा है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दो, ज्यादा जरूरी है। ठीक। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, मुझे दिखेगी तो मैं उसका सलूशन कर दूंगा, नहीं दिखेगी तो मेरा जो काम है वो कर रहा हूं। ठीक, इधर ध्यान दो। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1919, 17, 1896 और 1921। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन टू इंप्रूव एजुकेशन? एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए जो सैडलर यूनिवर्सिटी है ये बनवाई थी कब? ठीक, लिखने का मौका अरे तुम क्या लिखना चाहते हो मुझे ये बताओ। ठीक। अच्छा बीजापुर कहां पर है बताओगे? जैसे तब जो बीजापुर था, आज अगर पूछूं मैं कि तब का बीजापुर आज वर्तमान में किस राज्य में पड़ेगा, तब क्या आंसर दोगे? सही। ठीक है ना। क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा, जो सैंडलर आयोग है इसकी जो नियुक्ति है ये 1917 में की गई थी, ये 2017 के यूपीएससी का क्वेश्चन है और जो बाद में इतना पूछा गया है कि अभी आपके यूपी में आ जाता। ठीक है। कौन सा? सैडलर विश्वविद्यालय। ठीक, 1917। आगे, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, जो लॉर्ड मैकाले है ये संबंधित है, जरा बताओ, सती प्रथा की समाप्ति से, सेना के सुधार से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त से? लॉर्ड मैकाले इज रिलेटेड टू, जो लॉर्ड मैकाले है वो रिलेटेड है इनमें से किससे? आप कॉल कर लीजिए सर, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। बीजापुर जो है वो कर्नाटक में है। ठीक। बीजापुर आज वर्तमान में देखा जाना, तब जो बीजापुर था वो आज वर्तमान में कर्नाटक में है। ठीक। अरे क्या आतंक मचा रखा तुमने, ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, कैसे ब्लॉक कर दो, कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे यहां। गुलाब के फूल दिख रहा है मुझे बस इस यहां पर।
इसके अलावा क्या ही दिख रहा है, ध्यान दो इधर। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, सती प्राप्त सती प्रथा की समाप्ति, सेना में सुधार, अंग्रेजी शिक्षा और आपका स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड मैकाले इज रिलेटेड टू, अच्छा एक बात बताओ, स्थायी बंदोबस्त कब भारत में प्रारंभ हुआ और किसके समय में प्रारंभ हुआ, स्थायी बंदोबस्त कब भारत में प्रारंभ हुआ और किसके समय में प्रारंभ हुआ, वो आपको कमेंट में लिखकर बताना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लॉर्ड मैकाले की, तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक है उसे, मतलब किसे कहते हैं, लॉर्ड मैकाले को बोलते हैं। किसको, मैकाले को बोला जाता है, ये याद रखना, ठीक। कॉल नहीं उठाते, चलो उसका भी देखूंगा मैं, ठीक बढ़िया है ना, ये देखो। अच्छा सती प्रथा जो है इसकी समाप्ति कब हुई है, 1829 में हुई है। राजा राम मोहन राय जो हैं, इनके योगदान से किसने की है, तो याद रखिएगा विलियम बेंटिक ने, किसने, विलियम बेंटिक ने की है। इसी के समय में इसने स्लीमैन को अपॉइंट किया था, किसके लिए, ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए, किसके लिए, ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए, यह याद रखना। स्थायी बंदोबस्त के बारे में मैंने पूछा था, बताओ 1935 लॉर्ड मैकाले कोई मतलब नहीं है, 1800 में था वो, आप करेंगे एक आप तब कीजिए एक आप बाद में कीजिए, उसमें क्या है, हुक आप करेंगे कोई और थोड़ी करेगा उसे। आगे देखो, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, रेल, शिक्षा, गरीबी हटाओ, सिंचाई। इन विच फील्ड बाय द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंडियाज कॉलोनियल वर्क, जो इंडिया का जो कॉलोनियल जो टाइम था उस समय जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल था वो इनमें से किस एक से संबंधित था, वो बताना है ना। डाउनवर्ड का क्या होता है कि पहले, जैसे ऐसा मानो ये कई स्तर है ना, इनके पास है, मतलब किसी और पर्पस से, किसी और एग्जांपल को लेके समझते, जैसे ये ना इतने चरण है, इसके पास इतना पानी है, ठीक है, इसने अपना थोड़ा सा पानी इसे दे दिया, इसने अपना थोड़ा सा इसे दे दिया, इसने इतना, फिर यहाँ और फिर यहाँ इतना सा आया, ये है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। मतलब जैसे जैसे नीचे आएगा फिल्टर होता हुआ आएगा, है ना, जैसे जैसे नीचे आएगा फिल्टर होता हुआ। शिक्षा के बारे में क्या कहा था, पहले उन्होंने कहा था कि जो सबसे उच्च वर्ग के लोग हैं ना उन्हें शिक्षा देते हैं, उसके बाद उससे नीचे के लोगों को शिक्षा देंगे, फिर उसके बाद उससे नीचे, फिर उससे बाद, फिर इस तरह से, ये क्या है, ये फिल्ट्रेशन है। ये अंग्रेजों के समय कॉलोनियल है ना, जो इंडिया था उस समय ऐसा था। तो भाई पूछ रहा है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित है, यह संबंधित है शिक्षा से या एजुकेशन से, किससे, शिक्षा से या एजुकेशन से। अगर आरओ वगैरह आपने देखा होगा, अगर देखा होगा तो ना उसमें कई पाइप लगे होते हैं इस तरह के, है ना, तो ये क्या, ये पानी फिल्टर होता है, इसमें बहुत सारा पानी आता है, फिल्टर होकर कुछ इसमें बचता है, फिर यहाँ पर कुछ इसमें, फिर इसमें, फिर थोड़ा पीने के लिए निकलता है यहाँ पानी, है ना, ऐसा कुछ करके कुछ और ही बन गया था, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग जैसा लग रहा था, ठीक याद रखोगे, केम छो मजामा। आगे देखो, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास विशेष जोर दिया गया, बताओ रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया, किसके विकास में विशेष जोर दिया गया, उच्च शिक्षा, बालिकाओं को शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा, स्पेशल एम्फेसिस वाज गिवन ऑन डेवलपमेंट इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट, जो हंटर कमीशन रिपोर्ट है उसमें इनमें से किस पर विशेष जोर दिया गया है, वो पूछ रहा है। अरे कमीशन तो इधर चला गया यार, यार ठीक बढ़िया, ठीक क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इन्होंने जो जोर दिया है या इन्होंने जो विशेष एक तरह से कहें कि किसे कह सकते हैं, इसे कैसे कहें कि ना, एक जिस पर विशेष रूप से ध्यान दिया वो क्या है, वो है प्राइमरी एजुकेशन।
प्राथमिक शिक्षा क्या है, वो है प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा। ठीक, मेरा नंबर है कहां तुम्हारे पास जो लगाओगे तुम। ठीक, बढ़िया, आगे। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जो संक्रमण आयन है वो इनमें से किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, परावैगनी क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र। इन विच ट्रांसमिशन आयन्स एब्जॉर्ब लाइट, संक्रमण आयन इनमें से किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है बताओ जरा। सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, परावैगनी, दृश्य और अवरक्त, किसमें अवशोषित करेगा जरा बताना। ठीक, विजय कुमार पूछना बता दो प्रभु, पूछो तो कुछ, अब आप पूछेंगे नहीं तो मैं कैसे बता दूंगा कुछ भी, है ना। 14 अक्टूबर 1919 क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं और क्या करूं। देखो मेरे को गुजराती का मतलब इतना ही है, केमचो और मजा, मैं इसके आगे कुछ नहीं, सु करे छू वो सब नहीं आता मेरे को। हाँ बहुत बढ़िया, चलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी यानी कि दृश्य क्षेत्र। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दृश्य क्षेत्र, ये याद रखना। ठीक, पता नहीं ऐसे ही बोलते ना तुम, सु करे छू ऐसा कुछ करके बिल्कुल निल है अपना मामला उधर। ठीक, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण, मतलब पृथ्वी पर जो दूर की वस्तुएं हैं उन्हें देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इनमें से बता। है ना, हाँ तो वो है, क्या कर सकते हैं। ठीक, हाँ सही, पार्थिव दूरदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोल दूरदर्शक और आवर्धक लेंस, क्या पूछ रहा है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज, है ना, अर्थ पर ही जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो दूर तक के ऑब्जेक्ट है उनको अगर देखने के लिए प्रयुक्त किया जाए तो इनमें से किस दूरदर्शी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, बेदा, स्थाई बंदोबस्त 1897 लॉर्ड कार्नवालिस, भूल ही गया था इसके बारे में तुम्हें, सॉरी 1793 लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक, बच्चे वो नहीं होगा, सॉरी, हाँ ठीक, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसके लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है पार्थिव दूरदर्शक। क्या यूज किया जाता है उसके लिए, जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है पार्थिव दूरदर्शक। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है, है ना, 6.8 मिनट, 5.5, 8.3 और 9.5 मिनट। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, मतलब सन से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए जो लाइट है उसको कितना समय लगता है वो पूछ रहा है। ठीक, थैंक्स, हाँ बढ़िया, लगभग 8 मिनट तो आपको पता ही है ना, इतना तो आप जानते हैं, लगभग 8 मिनट, है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है। अच्छा पारसेक आपने सुना है, पारसेक जो है ये इसके द्वारा क्या मापते हैं। ठीक, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका 8.3 मीटर, इसके लिए जो सही जवाब है 8.3 मीटर, इसके लिए सही जवाब है। ठीक, अमित, मधुबाला, ठीक है, रूपम, संजय, गुड, समवन सेंडिंग, ओके, चलो ठीक है, क्या हो जाएगा। अच्छा प्रकाश वर्ष और पारसेक के बारे में आपको बताना है। अच्छा रजत को दूरदृष्टि दोष है, एक व्यक्ति है रजत, कोई गुस्सा नहीं होगा इस बात पे, क्वेश्चन है ठीक है। एक व्यक्ति है रजत, रजत को दूरदृष्टि दोष है, नेत्र रोग विशेषज्ञ दृष्टि को सही करने के लिए इनमें से किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे। वो ये कह रहा है कि अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है तो उसे किस तरह के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा पूछ रहा है।
ठीक है, रजत हैज हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल बी, अब इसको क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, अच्छा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रिकमेंड टू करेक्ट विजन। हाँ चलो ठीक है, वैसे तुम हिंदी में याद रखना नेत्र रोग विशेषज्ञ, हम जैसे लोगों के लिए हिंदी इसीलिए है, ठीक है, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ठीक है। चलो पूछ रहा है कि किस तरह के, यार ये भी अंग्रेजी में, चलो इन्हें बता दूंगा मैं, किस प्रकार के जो विशेषज्ञ है, मतलब किस प्रकार का जो लेंस है उसका प्रयोग किया जाने की बात करता है वो बताना, ठीक। अंग्रेजी के कोई शब्द है, कसम से मजाक नहीं कर रहा, मेरे को लगता है कि बस क्या ही कर दूं मैं इनका। ठीक ठीक, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, देखो मैंने पहले बताया था दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। देखो जिस घटिया टेक्निक से मैंने इसे याद किया, वैसे मैं बता सकता हूं अगर करना चाहो तो, पर है बहुत ही घटिया। देखो दूर जो है वो छोटे मतलब कम जगह में लिखा हुआ है, और उत्तल भी कम जगह में लिखा है, इसकी अपेक्षा निकट ज्यादा में लिखा हुआ है, और इसकी जगह अपेक्षा अवतल थोड़ा ज्यादा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसे याद कर सको, ऐसे ही मैंने याद किया था जब, अब मैं क्या बताऊं, है ना, जो सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी, तो जो जब दूर है ना, तो उसको बोलते हैं अपसौर, ज्यादा दूरी में लिखा जाएगा, ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक है तो उसे बोलते हैं उपसौर। इससे घटिया टेक्निक कोई है नहीं, पर फिर भी अगर तुम करना चाहो, नजदीक है तो कम वाला और ज्यादा है तो ज्यादा वाला, ठीक है। तो भैया दूरदृष्टि के लिए उत्तल कम कम, और निकट के लिए अवतल, ठीक है, अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कॉनवेक्स। क्या बोलते हैं, उत्तल को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनवेक्स, और अवतल को बोलते हैं कॉनकेव। अवतल को क्या बोलते हैं, अवतल को बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। तो यह याद रखना, मैं दूर और निकट में कई बार कंफ्यूजन हुआ, बहुत बार, इसलिए मैंने यही तरीका अपनाया अपना, ठीक है यार, अब तक याद है मुझे। खुले पाइप से वायु दमन किसका उदाहरण है, खुले पाइप से वायु दमन किसका उदाहरण है। नहीं बच्चे मेरा जो है ना वो उतना है ना, अब यहां पर आ और बा आ जाएगा, तो बस इसने थोड़ी सी जगह ज्यादा ले ली, बस अपना इतना है, ये चार अक्षर, पांच अक्षर और सात अक्षर नहीं, मैं तो जगह देख के चल रहा हूं कौन कितनी जगह घेर रहा है बस। इससे ज्यादा नहीं, तभी तो मैंने घटिया बोली, नहीं तो मैं बढ़िया बोलता ना, फिर अगर मेरे पास कुछ और अच्छा होता तो। ठीक, खुले पाइप में वायु धमनी किसका उदाहरण है, समतापी प्रक्रिया, समदाबी, रुद्रोष्म और सम आयतनिक। तो ये किसका है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका समदाबी प्रक्रिया का, ठीक है। आगे, ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, वायु से, स्टील से, निर्वात से, साउंड कैन नॉट पास थ्रू, जो साउंड है वो इनमें से किससे नहीं गुजर सकता, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तुम क्या करोगे जान के मैं कहां गया था, कहां था, कहां नहीं था, तुम्हारी क्लास हुई ना, क्लास चल रही है, इन पर ध्यान दो, जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ध्यान दिया करो, फालतू चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं, है ना। ठीक, ध्वनि नहीं गुजर सकती इनमें से कहां से, देखो ध्वनि को हमेशा पास करने के लिए क्या चाहिए, माध्यम, जो ध्वनि है उसको हमेशा पास करने के लिए चाहिए एक माध्यम, बिना माध्यम के ध्वनि जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, है ना। और यही वजह है कि ध्वनि सबसे अधिक स्पीड ध्वनि की जो है वो स्टील में होती है ना, और निर्वात में तो वो गति ही नहीं कर सकती, निर्वात में कोई माध्यम ही नहीं है, है ना, जो निर्वात है, निर्वात में कोई माध्यम है ही नहीं, है ना। तो ठोस में जो ध्वनि है वो सबसे तेज चलती है, और जो द्रव है उसमें ध्वनि बहुत स्लो चलती है, ठीक। अगर मैं सूर्य की प्रकाश की बात करूं, है ना, प्रकाश की अगर मैं बात करूं, तो जो प्रकाश है यह सर्वाधिक तेज चलता है निर्वात में, सर्वाधिक स्पीड होती है इसकी किसमें, वैक्यूम या निर्वात में, निर्वात या वैक्यूम में, यह याद रखना, ठीक है, किसमें, निर्वात में या फिर आप कहें वैक्यूम में, ठीक, बहुत अच्छे।
ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। निर्वात जो है जहां कोई माध्यम ही ना हो, है ना, निर्वात मतलब वो जहां कोई माध्यम है ही नहीं, ठीक, बढ़िया, ठीक, किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। अच्छा, मैंने पूछा था प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष बेसिकली होता है कि सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, ठीक है, बढ़िया। एक वर्ष में जो चली गई दूरी है प्रकाश द्वारा, उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक, बढ़िया। तुमको भी ब्लॉग बना, एक तो हो लिया, तुमको ज्यादा दिलचस्पी है तो तुमको भी मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, होना नहीं होना है तो इधर ध्यान दो, ठीक है। अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? जो अपमार्जक होते हैं वो पृष्ठ को, जो पृष्ठ होता है उसको किस सिद्धांत पर साफ करते हैं, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। प्रत्यास्थता, पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्लवन, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू डिटर्जेंट क्लीन द पेज? पृष्ठ की बात करें, जैसे आपका कपड़ा गंदा हो गया, जैसे मान लो ये कपड़ा गंदा हो गया, इस पर ना डिटर्जेंट लगाएं और फिर इसको साफ करें, तो वो जो जो सिद्धांत है ना, वो कौन सा सिद्धांत है वो पूछ रहा है, ठीक है। अब पारसेक क्या है? वो भी बेसिकली खगोलीय दूरी मापने के लिए, जैसे किलोमीटर, जैसे आपका कहो मीटर, मीटर के बाद आपका किलोमीटर, ठीक है, फिर उसके आगे मील वगैरह लगाओ, फिर और लगाओ, है ना। तो अब कितना, जैसे सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर तय करनी है तो कितने किलोमीटर है, है ना, तो किलोमीटर से बड़ी इकाई दूरी के लिए होती है प्रकाश वर्ष, खगोल में, खगोल में, पृथ्वी पर तो नापी लोगे, खगोल में, ब्रह्मांड में अगर नापोगे तो, है ना, प्रकाश वर्ष की, एक साल में प्रकाश कितनी दूरी चलता है, कि इतनी दूरी चल लेता है, तो उसे एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसी तरह से जब प्रकाश वर्ष भी बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो कहां तक लिखोगे, तो उसको फिर समेटते हैं पारसेक में। तो पारसेक सबसे ऊंची इकाई है, उसके बाद आता है आपका प्रकाश वर्ष, और फिर वो आपके किलोमीटर मीटर जो भी है, है ना, वो, ठीक। तो ये याद रखना, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव, तो यह याद रखना, ठीक, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव, ठीक। हाँ चलो, बहुत अच्छे, ठीक, बढ़िया। आगे देखो, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? जो डिटर्जेंट होता है उसमें इनमें से कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है वो पूछ रहा है, बताओ जरा कौन सा होता है, ठीक। कहीं से भी ले लो आप, किसी भी बुक स्टोर पे चले जाओ, वहां मिल जाएंगे आपको, पर प्रैक्टिस सेट मत लेना, प्रीवियस ईयर ही लेना, वही ज्यादा ठीक रहेंगे, ठीक। सोडियम अल्काइल सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच मेजर केमिकल इज प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर? सोडियम अल्काइल सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है वो बताओ, ठीक। नकुल मिश्रा, मैं एक दिन वो टॉपिक बना के आपको दूंगा, मेरे को करना है वो काम, शायद आज ही कर लूँ मैं, जीडी और यूपी पुलिस दोनों के टॉपिक जो कॉमन है उनको मैं आज लिखने वाला हूँ, आज ही लिखूंगा, ठीक है। इनमें बताओ कौन सा एक जो है मौजूद होता है, ठीक है। तो डिटर्जेंट में जो मौजूद होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है, डिटर्जेंट में जो मौजूद होता है वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कौन सा, सोडियम कार्बोनेट। तो यह थी आपकी आज की क्लास, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, पेन पेपर लेकर बैठिए, जो कुछ भी नया मिले उसे लिखिए, ठीक है। जो डाउट है कमेंट में पूछिए, डाउट के साथ एग्जाम देने नहीं जाना, पर डाउट पूछिए, फालतू की चीजें नहीं। यूपी पुलिस 2023 के लिए आपके पास क्रैश कोर्स है, 100% सिलेक्शन के लिए 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास, क्लास नोट, सेक्टर फैकल्टी और डाउट सेशन मिलेंगे, ठीक है। सारी क्लासेस एकदम बेसिक से होती है, फौजी बैच है आपका लाइव 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास, क्लास नोट्स, सेक्टर फैकल्टी और डाउट सेशन जो है वो आपको यहां देखने को मिलते हैं, तो इसके साथ भी जरूर जुड़ जाइएगा। साथ में याद रखिएगा मैथ रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं।
अच्छा सर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे अपने एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के या कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, तो इस क्लास के साथ जुड़िएगा। साथ में आ जाइएगा, कुछ लिंक है जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया है, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ईबुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, तो इसके साथ जुड़ जाइएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में कैसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यहीं शेयर करते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। अनु जी गुस्सा हैं और ये कुछ कह रही हैं, क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने कहा कि डाउट सॉल्व नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट ही नहीं हो रहा है ऐप पर। ऐप पर तो बच्चे ये है ना कि ऐप पर अगर मैंने जिस तरह से, हाँ कमेंट देख रहे हो ना एक दूसरे के, वहाँ अगर आपको एक दूसरे का कमेंट देखना शुरू कर दिया ना आपको, भगवान ही जाने कैसे कोर्स होगा फिर वहाँ है ना तो बहुत दिक्कत है, इसलिए वह बंद करा रखे हैं। याद रखिएगा, ये है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, इसे आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है, पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए, जो कुछ भी नया आए उसे लिख लीजिए जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो, है ना। और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। जो भी आपने लिखा है उससे आप क्या करें, उसे आप क्लास के तुरंत बाद एक बार रिवाइज जरूर करें। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।